Hello, everyone, and especially my students. जैसा कि आप सबको पता है, अभी ये जो COVID-19 का दौर चल रहा है, तो इसलिए हमें मास्क वियर करना बहुत ही मस्ट है, जरूरी है. तो उसी को ओबे करते हुए मैं भी ये रख रहा हूँ, और सभी को हमें ये रखना ही चाहिए एट प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग. यस गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट टाइम वर्ड्स, आई मीन यू कैन से हेल्पिंग वर्ब्स, साइड के लिए जो स्पेशली रिलेटेड विद आवर टेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, मॉडल्स से रिलेटेड हो सकती हैं. हम टाइम वर्ड्स की बात करेंगे. टाइम वर्ड्स से मीन है टाइम एंड वर्ड. टाइम समय, वर्ड एनी शब्द. द वर्ड दैट डिनोट्स रिवेल्स अबाउट द टाइम, दैट इज टाइम वर्ड. ऐसा शब्द जो समय के बारे में बताता है, जिस शब्द से हमें उस सेंटेंस के मतलब काल या समय का पता चल जाता है, वही टाइम वर्ड होता है. तो स्पेशली टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम वर्ड्स. प्रेजेंट टेंस के जो मतलब टाइम वर्ड्स होते हैं, उनकी हम स्पेशली बात करेंगे. प्रेजेंट आई मीन वर्तमान. प्रेजेंट टाइम वर्ड वर्तमान. प्रेजेंट टाइम वर्ड्स एज लाइक वी कैन से डू एंड डज. डू एंड डज आर प्रेजेंट टाइम वर्ड्स. एंड स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट इज एम एंड आ, ऑल्सो प्रेजेंट टाइम वर्ड्स. एंड इफ यू टॉक नेक्स्ट हैज एंड हैव, ऑल्सो आर प्रेजेंट टाइम वर्ड्स. प्रेजेंट टाइम्स बिकॉज दीज ऑल वर्ड्स डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस. That's why you can say these all are present time words. Yes, do does especially denotes any action that is being daily mostly. ऐसा काम जो रोजाना में हमेशा में होता है, उस चीज को डिनोट करते हैं do and does. Yes, and मतलब mostly जो continue या रोजाना में, sorry, रोजाना जो काम होता है, उसके लिए do does हमारे time words हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इज एम आर, ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो रोजाना में हो सकते हैं बट एट प्रेजेंट भी वो कंटिन्यू है, जारी है, मतलब प्रोग्रेसिव है, तो वी कैन यूज इज एम आर. प्रोग्रेसिव टाइम वर्ड्स कंटिन्यूस जो हम बोल सकते हैं. यस इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट हैज एंड हैव, दीज आर टाइम वर्ड्स ऑल्सो रिलेटेड विद प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस. But these two time words denotes and reveals us about that these both words are also present time words. But these words tell us that the action has completed, यानी कि कोई भी काम जो हो चुका है उसके लिए has and have आते हैं. Yes, हो चुका है, एंड उस एक्शन का जो फीलिंग है, जो मतलब एहसास बोल सकते हैं, वो हमारे मन में अभी तक भी है, तो मतलब उसके लिए हैज एव टाइम वर्ड आते हैं. यस स्पेशली वी विल टॉक टुडे अबाउट ओनली दीज टाइम वर्ड्स. अभी हम इनको विस्तृत थोड़ा मतलब एक्सप्लेनिंग तरीके से समझेंगे. यस डू डज डिनोट विद वर्ब फर्स्ट ऑलवेज. यस एंड इज एम आर वर्ब ing. yes and has him verb third, I mean to say past participle, verb third ing के साथ. mostly अगर has have मतलब main action के रूप में नहीं है, वो helping verb के रूप में अगर है, तो वहाँ हमें verb third use करना है. okay. yes I have told you about all these time words and their verbs, verb first ing and verb third. Yes, if I talk about firstly do and does, do and does. If any subject does any action daily, regularly, रोजाना में कोई काम कोई सब्जेक्ट करता है, वहां हमें कोई क्वेश्चन पुटअप करना होता है, तो वहां हम do does का फॉर्मूला एज ए हेल्पिंग वर्ब या एज ए टाइम वर्ड हम यूज करेंगे. तो हम इनको अभी एक्सप्लेनिंग से समझेंगे. मेरा अभी जो आज का टूडे जो क्लास मीन है, वो इन्हीं टाइम वर्ड्स को समझाना है. तो मैं फर्स्ट ही आपको डू डज के बारे में समझाता हूँ, या डू डज की हम बात करते हैं. यस डू एंड डज
फर्स्टली हम टॉक करेंगे, इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर इनका आंसर यस में हो जाएगा एंड नो में हो जाएगा। आई मीन टू से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, फिर उसका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव यस में रिप्लाई हो जाएगा, देन उसका नेगेटिव होगा तो विद नॉट यानी कि नो में रिप्लाई होगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वो भी नेक्स्ट कंडीशन होगी। तो इंट्रोगेटिव यानी कि जो हमें क्वेश्चन बनाना है किसी भी सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं। उसमें हमें सबसे पहले वो टाइम वर्ड यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब बोल दो टाइम वर्ड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग आता है, पता है हमें कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर टाइम वर्ड, प्लूरल के लिए प्लूरल टाइम वर्ड, यहाँ डज सिंगुलर के लिए डू प्लूरल के लिए, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होते हैं फिर भी मैं बता देता हूँ। तो टाइम वर्ड्स उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, देन वर्ब यानी कि एक्शन भी बोल सकते हैं वर्ब, और देन हमें ऑब्जेक्ट लेना है, यस ये हो गया हमारा। और कोई एक्स्ट्रा में एडवर्ब वगैरह या अदर वर्ड होता है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। ये इंट्रोगेटिव टाइम वर्ड जो रिलेटेड सेंटेंस होगा हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डू और डज की बात करें चाहे हम यहाँ इज एंड मार्क की बात करें, तो मतलब वहाँ ओनली एक्शन चेंज रहेंगे, सिर्फ वर्ब चेंज होंगे। हैज के लिए जैसे यहाँ वर्ब थर्ड होगा, इज एम आर लाएंगे तो यहाँ वर्ब आई एन जी हो जाएगा, बट टाइम वर्ड्स हैं अपना मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इनका स्थान यहीं पे रहेगा। मतलब इंट्रोगेटिव में टाइम वर्ड्स फर्स्टली आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, जैसा टाइम वर्ड वैसी वर्ब, यानी कि डू डज के लिए वर्ब फर्स्ट, इज एम आर के लिए वर्ब आई एन जी भी आ सकता है, हैज के लिए वर्ब थर्ड हो सकते हैं, यस। तो हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं यानी डू डज की बात करते हैं। तो डू मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट्स, हमें पता होना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, स्पेशली हम टॉक करते हैं यू वी एंड दे ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई ऑल्सो प्लूरल सब्जेक्ट, बट समवेयर वी फाइंड दैट आई इज ऑल्सो यूज एज सिंगुलर सब्जेक्ट, आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, एज लाइक पास्ट में आई सिंगुलर हो जाता है, प्रेजेंट टाइम में आई प्लूरल रहता है, और कोई भी नाउन प्रोनाउन जो मतलब एक से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं, कोई भी नाउन प्रोनाउन यानी कि जो बहुवचन जिसको बोल सकते हैं प्लूरल, तो उस नाउन प्रोनाउन के लिए भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर के लिए स्पेशली बात करें तो यहाँ ही हो जाता है, सी हो जाता है, इट हो जाता है, और एनी सिंगुलर नाउन हो सकता है, सिंगुलर नाउन नहीं कोई भी एक वचन नाउन या प्रोनाउन एनी कोई भी हो सकता है, ये सिंगुलर के लिए आते हैं, तो ये हमें समझना होता है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्टली डू डज की, तो डू मैंने बोला प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। If you prepare our sentence with do you play chess, it's a sentence. मेरे पास एक sentence है, do you play chess, क्या आप शतरंज खेलते हैं, it's interrogative, yes, with do time word, do, because you is here plural subject, that's why we used here do as helping of, if we find any singular subject here, then we should use does as time words. But action will not be changed. यहाँ verb change नहीं होगा. यानी verb singular है. I mean to say, do does के साथ verb first आता है, तो verb first ही रहेगा. ये mean देख रहे हैं. ये हमारा sentence prepare हुआ. अभी हमें यहाँ does का prepare करना होता, तो हम यहाँ does लेते. फिर यहाँ कोई subject he, otherwise यहाँ he ऐसा कोई subject आता. Then मतलब verb फर्स्ट यानी कि हम यही सेंटेंस ले लें या अदर सेंटेंस लें, डज ही या डज सी प्ले फुटबॉल, एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव मार्क, डज सी डज ही एनी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्ले फुटबॉल, यस डू फॉर प्लूरल डज फॉर सिंगुलर हो गया, यस इट्स आवर सेंटेंस फॉर इंट्रोगेटिव मेथड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अभी हमें इनका यस में रिप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं इनको, मतलब डूडल्स का वेरी सिंपल मेथड है, अभी हम इसको सिंपल सेंटेंस में बोल सकते हैं, या मतलब एफिर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाना होता है हमें, तो हम फर्स्टली डू का क्रिएट करते हैं, तो सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और मतलब देन ऑब्जेक्ट, यस इतना ही मेन होता है, और अदर वर्ड आता है कोई अदर वर्ड, यस। अभी हम डज के लिए बात करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ वर्ब में वर्ब फर्स्ट प्लस एस अदरवाइज यस, ये ध्यान रखना। डज का क्वेश्चन होता है तो वर्ब में एस यस, डू का होता है तो सब्जेक्ट फिर डायरेक्टली वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड कैन भी हो सकते हैं, यस ये ध्यान रखना हमें। जैसे प्रिपेयर करते हैं सेंटेंस, यस में दे दे प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ, दैट्स व्हाई दे वॉच टीवी, वे टीवी देखते हैं, मतलब दे प्लूरल सब्जेक्ट था, यहाँ यू होता है, यू वॉच टीवी, आई होता तो भी आई प्लूरल बना देता प्रेजेंट में, आई वॉच टीवी, अभी होता तो वी वॉच टीवी हो सकता है। अभी हमें कोई सिंगल सब्जेक्ट काम ही लेता हूँ, अदरवाइज किसी नाउन का मतलब यूज करता हूँ, जैसे कि कोई भी प्रॉपर नाउन है, जैसे रवि, रवि यस, रीड्स रवि, रीड्स हिज बुक, यानी कि रवि है और अपनी बुक पढ़ता है, रवि रीड्स हिज बुक, तो रवि सिंगल सब्जेक्ट था, इसलिए वर्ब एस यस हो गया, यस ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है। मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों कंडीशंस में आपको समझाया। अभी यहाँ हमें इसी मेन को अगर नेगेटिव लेना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें फर्स्टली सब्जेक्ट, देन वो हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड होगा, फिर विद नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट आता है, देन वर्ब, जैसा टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब वैसी वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड है तो कोई अदर वर्ड। जैसे यही सेंटेंस बनाते हैं, वी डू नॉट, या इसको शॉर्ट में वी डोंट या डोंट बोल सकते हैं, वी डोंट गेट अप अर्ली, वी डोंट गेट अप अर्ली, जल्दी नहीं उठते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वी डू नॉट गेट अप अर्ली। यहाँ कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लेता मैं, ही डजंट वॉच न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, ही यहाँ ही सिंगुलर था इसलिए डज विद नॉट मैंने डजंट कॉल कर दिया, अदरवाइज डोंट भी कॉल कर सकते हैं, यस इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, वेरी सिंपल प्रोसेस है, यस। नेक्स्ट में अभी जो ये इंट्रोगेटिव से स्टार्ट किया मैंने, इंट्रोगेटिव से इसलिए स्टार्ट किया कि कोई भी क्वेश्चन पुट अप होता है फिर उसका यस में और नो में रिप्लाई हो जाता है, इजीली हमें अंडरस्टैंड होता है, समझ में आ जाता है। अभी इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम वर्ड यानी हमारा हेल्पिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर हम यहाँ पे ओनली नॉट और यूज कर लेते हैं थर्ड नंबर पे, बाकी हमारा सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस रहता है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंसेस जो हमने बनाए, अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे डू यू, फिर नॉट, डू नॉट, डू यू नॉट अटेंड, अटेंड योर क्लास, डू यू नॉट अटेंड योर क्लास, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू देन सब्जेक्ट देन नॉट देन अटेंड वर्ब देन योर क्लास अदर वर्ड के रूप में यस, तो मतलब हमने देखा डू यू नॉट अटेंड योर क्लास, क्या आप अपनी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क भी है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, देख लेना है, फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यस इंट्रोगेटिव में ये नॉट नहीं रहता, बस इतना ही मतलब डिफरेंट होता है दोनों में। यहाँ कोई सिमिलर सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ डू की जगह डज काम में लेते हैं, ओके ये डू डज की बात होती है, और डू डज कहाँ आते हैं मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कोई भी एक्शन रोजाना में होता है, कोई भी काम रोजाना में होता है, उसी प्रकार से हम मतलब ई एम आर जो मैंने स्टार्ट में बात की, और मतलब इनकी भी टाइमर्स के रूप में बात कर सकते हैं। डिफरेंट क्या होगा, फॉर्मूलाज सेम रहेंगे, यहाँ मतलब वर्ब चेंज होगी, मतलब वर्ब यहाँ जो है
एक्शन फर्स्ट एंड आई एन जी एड होता है उसमें, वर्ब आई एन जी आता है, ये देख लेना है वर्ब आई एन जी। फिर वही सेम प्रोसेस जो हमने चार फॉर्मूलाज प्रिपेयर किए थे डू डज के लिए, वही फॉर्मूलाज हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एच एम आर के लिए भी, एंड वर्ब फर्स्ट आई एन जी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था डू यू वॉच टी वी, तो इसमें बनाए तो आर यू वॉचिंग टी वी, डज ही वॉच टी वी, तो हम इसमें इज सिंगुलर के लिए लेते हैं इज सी वॉचिंग टी वी, आई के लिए एम आता है सबको पता है एम आई वॉचिंग टी वी, इस प्रकार से हम लोग इज एम आर हमारी हो जाते हैं। यानी कि एक जो डू डज के जो फॉर्मूला समझने से हम इज एम आर के सेंटेंसेस भी इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी प्रकार से मतलब हम अगर बात करें हैज हैव की, तो हैज हैव में क्या है उसके लिए हमें वर्ब थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल्स वर्ब के जो होते हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। हैज हैव मैंने बोला था प्रेजेंट जो कंटिन्यूस का जो मैं था उसमें इज सिंगुलर के लिए था, आर प्लूरल के लिए, एम आई के लिए होता है हमेशा, यहाँ हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, एंड वर्ब थर्ड रहता है, वर्ब थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल रहता है। आप लोग सारे टाइम वर्ड्स को एक ही फॉर्मूला जो एक ही जो टाइम वर्ड है उसके फॉर्मूला से समझ सकते हैं। तो हैज हैव वर्ब थर्ड, जैसे यहाँ एग्जाम्पल प्रिपेयर करें हैज फॉर सिंगुलर देन सब्जेक्ट हमारे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हैज सी कुक्ड ऐसी कुक्ड द डिनर, क्या हुआ डिनर कुक कर चुकी है, मतलब प्रिपेयर भी आ सकते हैं मतलब तैयार करना डिनर। तो ये इंट्रोगेटिव लिया मैंने स्टार्ट में सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ओके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं इसका यस में रिप्लाई करूंगा, मतलब मैं सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा यस में, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट सी, फिर मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो यहाँ हैज आ जाएगा, फिर वर्ब चाहिए मेरे को वर्ब थर्ड आती है कुक्ड, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है वो आ जाएगा द डिनर, ये हो गया सी हैज कुक्ड द डिनर या प्रिपेयर्ड द डिनर, जो भी है हमें यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। यस इसका निगेटिव में प्रिपेयर करना होता मेरे को तो मैं नो में करता, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमारे स्टार्ट में जो हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग पहले हम सब्जेक्ट काम लेते हैं, तो पहले सी फिर हैज फिर थर्ड नंबर फिर नॉट फिर कुक्ड द डिनर, कोई प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं यू, अब यू के लिए हम हैज नहीं लेंगे हैव लेंगे, यू हैव द नॉट मतलब थर्ड नंबर पे, अभी मेरे को कोई वर्ब थर्ड चाहिए यू हैव नॉट कंप्लीटेड सी ओ एम पी एल ई टी ई डी कंप्लीटेड वर्ब थर्ड कंप्लीट यानी पूरा करना, You have not completed your work. आपका काम आप complete नहीं कर चुके हैं। ये negative sentence है। You have not completed your work. Yes, ये sentence हो गया। यानी कि negative हो गया। इसी का interrogative negative prepare करना आता तो has, see, यहाँ third number पे not, फिर verb, फिर other word हमारे आ जाते हैं। Yes. ये हमारे हैज हैव की बात हो जाती है शॉर्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ अदरवाइज इनको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टाइम लगता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं कि डू डज है वो कौन से टेंस का टाइम वर्ड है, इज एम आर है वो कौन से टेंस का टाइम वर्ड है, मतलब इज एम आर है वो कौन से टेंस का टाइम वर्ड है, तो मैं इनमें ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अपना, मतलब जो ये नॉर्मली टेंसेज रिलेटेड जो टाइम वर्ड्स हैं हमारे ये नॉर्मली जो मतलब छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर होते हैं, तो मतलब टेंथ लेवल में तो ये शायद मतलब सबको मोस्टली प्रिपेयर होते हैं। तो ये हमने टाइम वर्ड की बात की थी प्रेजेंट टाइम वर्ड की, फिर इसमें देखिए आपके जो हैज बीन और हैव बीन और रह जाते हैं, हैज बीन एंड हैव बीन वही सिमिलर मीन है जो हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद में जो मतलब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आता है उसके बाद में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं उसमें ये आता है, लेकिन प्रेजेंट रिलेटेड टाइम वर्ड है ये भी हैज बीन हैव बीन। यहाँ क्या होता है कि मतलब कोई भी एक्शन जारी है एट प्रेजेंट भी हो रहा है बट उस एक्शन का टाइमिंग हमें साथ में मिलता है कि कोई भी काम जारी है बट कब से है कब से हो रहा है वो काम, उसके लिए हमें ये टाइमर्स प्रिपेयर करने होते हैं हैज बीन हैव बीन।
ये अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एंड ये आपका नीचे वाला जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के टाइमर्स हो जाते हैं हमारे। इनके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंसेस में फॉर्मूला प्रिपेयर करें तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ मतलब वही हमारे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन, हैव बीन, मैं स्टार्ट में आपका जो है इंट्रोगेटिव ही बनाऊंगा, हैज एंड हैव ले लेता हूँ। एंड फिर इसमें क्या होता है कि बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बीन आता है, यानी कि जो भी टाइम वर्ड डबल वर्ड का होता हैज बीन हैव बीन उसमें इंट्रोगेटिव बनाने तो सब्जेक्ट बीच में आता है इनके बीच में। देन वर्ब हमारी यानी कि एक्शन बोल सकते हैं, इसमें भी वर्ब आईएनजी रहता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर इसमें न्यू क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, इसमें सिंस एंड फॉर कुछ अमल दो प्रीपोजिशन है जो कि टाइम को दर्शाते हैं, प्लस या टाइम बताने वाला कोई भी शब्द आ सकता है, मतलब जो पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, ये देख लेना है कि कोई भी वर्ड है जो निश्चित समय के लिए बोल सकते हैं लोग सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, निश्चित समय अनिश्चित समय कौन सा होता है ये हमें समझ लेना होगा पहले। यस हैज बीन हैव बीन की बात कर लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सिंपल में लाना है तो पहले सब्जेक्ट फॉर्मूलाज वही हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन हैव बीन है तो हैज बीन हैव बीन या टाइम वर्ड बहुत अच्छी है, फिर वर्ब आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर वही आपके सिंस फॉर एंड प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, ये ऊपर में टाइम था और यहाँ लिख देता हूँ प्लस टाइम, इस प्रकार से ये सिंपल हो जाता है। अब इसको नेगेटिव बनाना है, ये तो सिंपल था, अभी नेगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें बस इतना चेंज है, नोट लगाना है। हाँ देखिए डबल वर्ड का टाइम वर्ड होता है तो उसमें जैसे सब्जेक्ट भी बीच में लगा हैज और बीन के, हैव और बीन के, वैसे नॉट भी बीच में लगता है, सब्जेक्ट फिर आपका हैव या हैज, एक जो टाइम वर्ड है वो आ जाता है, हैव बोल दो चाहिए हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट आएगा थर्ड नंबर पे, ओके, फिर आपका बीन जो एक्स्ट्रा वर्ड है टाइम वर्ड है वो आ जाएगा, फिर वर्ब और आई एन जी इसमें आना ही है, देन ऑब्जेक्ट, देन आपके जो प्रीपोजिशन है टू, सिंस एंड फॉर जो बताएंगे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय अनिश्चित समय, ओके, फिर वो जो समय है वो आ जाएगा निश्चित है या अनिश्चित, ये हो गया हमारा निगेटिव। अब मैं एक सेंटेंस प्रिपेयर करता हूँ, इस सेंटेंस से जैसे कि क्या तुम 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो मैं यहाँ बना देता हूँ ये सेंटेंस, have you, क्योंकि plural है you इसलिए have, फिर यहाँ बीच में सब्जेक्ट, फिर been, have you been, पढ़ना है तो read या study तो reading ing, have you been reading English, English, have you been reading English for anything अनिश्चित समय, for 2 hours, so you are, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Have you been reading English for 2 hours? कि आप 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब मैं इसको यस में रिप्लाई करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला, सब्जेक्ट पहले आएगा यानी कि यू या आई, इसका आई कन्वर्ट हो जाता है, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, ये 2 hours टाइम हो गया। निगेटिव में बोलना मेरे को नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, इस प्रकार से सेंटेंस प्रिपेयर हो जाता है। और वही इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो हैव यू या नॉट थर्ड नंबर पे आएगा, हैव यू नॉट बीन, हैज सी नॉट बीन, इस प्रकार से मतलब नॉट तो थर्ड नंबर पे ही मोस्टली हर प्रकार के मतलब एवरी टाइप से जो काइंड सेंटेंस होते हैं उनमें नॉट थर्ड नंबर पे आते हैं। तो दिस ऑल वर आवर प्रेजेंट टाइम वर्ड्स, ये हमारे आज के प्रेजेंट टाइम वर्ड्स थे, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स थे जो मैंने सभी को मतलब बिल्कुल ब्रीफली संक्षिप्त में बोल सकते हैं आप शॉर्ट में ही बताए हैं क्योंकि मैंने मोस्टली ज़्यादा या मतलब मोर सेंटेंसेस नहीं लिए या एक्सप्लेन किए, लेकिन आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए मस्ट है फॉर एवरी टॉपिक नरेशन वॉइस, मतलब एनी टॉपिक जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं ग्रामर में, उसके लिए हमें बेस्टली ये मतलब टाइम वर्ड समझ लेंगे। ओके गाइस।
Have a nice time. This was my today class.